हेलो दोस्तों, आज है 10 अप्रैल। जो आज की करंट अफेयर्स की चर्चा है हम उसको कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर ए, 2 लाख रुपए। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में डिजिटल पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है, जिससे कम आय वर्ग, लघु उद्योग और गली मोहल्ले के छोटे दुकानदारों की भुगतान क्षमता बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने शहद मिशन को बढ़ावा देने के लिए मधु क्रांति पोर्टल की शुरुआत की है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, नरेंद्र सिंह तोमर। देखिए, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में शहद मिशन को बढ़ावा देने के लिए मधु क्रांति पोर्टल और NAFED के हनी कॉर्नर की शुरुआत की है। यह राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की एक पहल है, जबकि शहद की बिक्री के लिए नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन यानी NAFED का हनी कॉर्नर विशेष स्थान है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस महान कवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासौली करने की घोषणा की गई है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, सूरदास। देखिए, उत्तर प्रदेश में मथुरा में महान कवि सूरदास की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासौली करने की घोषणा की गई है। यह महाकवि सूरदास की कर्मस्थली के रूप में विख्यात है। सूरदास ब्रज रासस्थली विकास समिति परासौली मथुरा महमूदपुर को बदलकर परासौली करने की मांग कर रही थी। अगला क्वेश्चन, वरिष्ठ IAS अधिकारी संजीव कुमार ने हाल ही में किस सरकारी विभाग में अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाला है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। देखिए, महाराष्ट्र कैडर के वर्ष 1993 बैच के IAS अधिकारी संजीव कुमार ने हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाला है। वे इससे पहले महाराष्ट्र सरकार के राज्य आयुक्त GST के तौर पर तैनात थे। अगला क्वेश्चन, श्री पीयूष गोयल ने हाल ही में किस राज्य में बनी हंसडीहा गोंडा नई रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, सॉरी झारखंड, आंसर नंबर डी। देखिए, केंद्रीय रेल वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में झारखंड में बनी हंसडीहा कुंडा नई रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोंडा नई दिल्ली हमसफर स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अगला क्वेश्चन, भारत के रिकॉर्ड कितने नाविक ने भारत पहली बार इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? इसका जो राइट आंसर आंसर नंबर बी, 4 नाविकों ने। देखिए, भारत के रिकॉर्ड 4 नाविकों ने पहली बार इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। भारत के विष्णु सर्वानंद तथा गणपत चंगप्पा और वरुण ठक्कर की जोड़ी ने ओमान में चल रहे एशियाई क्वालिफायर्स में यह लक्ष्य हासिल किया है। पहली बार ऐसा होगा कि टोक्यो में होने वाले खेलों में भारत की तरफ से 4 सेलर यानी नाविक हिस्सा लेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने हाल ही में आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग मजबूत करने की अपील की है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, मालदीव। देखिए, भारत और मालदीव ने हाल ही में आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग मजबूत करने की अपील की है। दोनों देशों के विश्व के सभी देशों से कहा है कि वे तत्काल सतत सत्यापन योग्य कार्रवाई करें। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य टॉपिक पे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।